हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे BCOM प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है मजदूरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे मजदूरी का अर्थ क्या है, मजदूरी की परिभाषा क्या होती है और मजदूरी के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मजदूरी के अर्थ से। सामान्य रूप से मजदूरी यदि हम बात करें तो ये कहा जाता है कि किसी भी श्रमिक को जो भी वो अपना शारीरिक श्रम कर रहा है उसके बदले में जो भी पुरस्कार उसको दिया जाता है वो मजदूरी कहलाता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उत्पादन कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कुछ पुरस्कार स्वरूप मिलता है, जैसे कि भूमि को लगान के रूप में पुरस्कार मिलता है, पूंजीपति को ब्याज के रूप में पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार से श्रमिक को जो प्राप्त होता है साहसी के लिए लाभ प्राप्त होता है। पिछले वीडियो में हम लाभ के बारे में बात कर चुके हैं डिटेल में। तो इसी प्रकार से एक श्रमिक को या मजदूर को अपने श्रम के बदले में जो पुरस्कार प्राप्त होता है वो मजदूरी कहलाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मजदूरी होती क्या है वास्तव में यदि हम बात करें तो मजदूरी राष्ट्रीय लाभांश का वह भाग होता है जो श्रमिक को उसके श्रम के बदले में दिया जाता है। इस प्रकार मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो मनुष्य के परिश्रम के बदले में दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम मजदूरी की बात करें तो एक व्यक्ति के परिश्रम के बदले में, एक श्रमिक के परिश्रम के बदले में उसे जो पुरस्कार दिया जाता है वो मजदूरी कहलाता है। और ये मजदूरी प्रति घंटा के आधार पर हो सकती है, प्रति दिन के आधार पर हो सकती है, समय अनुसार दिया जा सकता है कि मंथली दे दिया आपको, वीकली दे दिया उसे। तो इस प्रकार से समय अनुसार, समय के अकॉर्डिंग उसे दी जा सकती है, या उसका भुगतान मुद्रा में या वस्तु में। मुद्रा के रूप में भी मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है, वस्तुओं के रूप में मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है, अथवा मुद्रा और वस्तु दोनों के रूप में भी मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक श्रमिक को जो भी उसका श्रम के बदले में प्रतिफल दिया जाता है मजदूरी कहलाता है। तो मजदूरी के अर्थ के पश्चात हम बात करते हैं मजदूरी की परिभाषा के बारे में। मजदूरी की परिभाषा, यहाँ पर प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा के बारे में हम विचार करेंगे। तो प्रोफेसर बेनहम के अनुसार मजदूरी मुद्रा की उस राशि को कहा जाता है जो एक मालिक या नियोक्ता किसी श्रमिक को एक समझौते के अनुसार उसकी सेवाओं के लिए देता है। तो बेनहम यहाँ पर अपना मत प्रकट करते हैं कि मजदूरी वास्तव में मुद्रा की एक वह राशि है जो एक मालिक या नियोक्ता या स्वामी जो भी है वो किसी श्रमिक को एक समझौते के आधार पर, जो मालिक और श्रमिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है उस बेसिस पर मालिक द्वारा या नियोक्ता द्वारा उस श्रमिक को जो भी दिया जाएगा नगद में या अन्य किसी भी प्रकार से उसकी सेवाओं के बदले में जो भी पुरस्कार स्वरूप या प्रतिफल स्वरूप प्रदान किया जाएगा वही उसके लिए मजदूरी कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम मजदूरी की बात करें तो मजदूरी मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के श्रम की कीमत है। तो यहाँ पर मजदूरी के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक श्रम को ही सम्मिलित नहीं किया जाता बल्कि मानसिक श्रम को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति अपने मानसिक श्रम के बदले में जो कुछ भी प्राप्त करता है वो भी हम मजदूरी में यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। मान लीजिए एक अध्यापक, डॉक्टर, वकील या दलाल आदि द्वारा जो भी अपनी सेवाएं दी जाती है वो शारीरिक श्रम ना होकर मानसिक श्रम कहलाता है। इसके बदले में उन्हें जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है वो मजदूरी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से बात करेंगे हम मजदूरी। सबसे पहली बात है कि मजदूरी में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम की कीमत है, यानी कि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों को मजदूरी में सम्मिलित किया जाता है। सेकंड बात आती है विक्रय प्रतिनिधियों तथा प्रबंधकों को मिलने वाला कमीशन, बोनस एवं रॉयल्टी मजदूरी है। यहाँ पर हम बात करें तो विक्रय प्रतिनिधियों को और प्रबंधकों को उनके कार्य के बदले में, उनकी सेवाओं के बदले में जो भी कमीशन, बोनस या रॉयल्टी प्रदान की जाती है
वो सारी मजदूरी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए आप, मजदूरी का अर्थ श्रमिक, क्लर्क एवं अधिकारी आदि को श्रम के लिए प्राप्त भुगतान है। इस प्रकार से एक श्रमिक, क्लर्क या अधिकारी को उसके कार्य के बदले में, उसकी सेवाओं के बदले में जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है, जो भी भुगतान दिया जाता है, वो भी मजदूरी में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से मजदूरी की परिभाषा देखने के बाद हमें ये क्लियर होता है, ये स्पष्ट होता है कि एक प्रकार से मजदूरी श्रमिक के कार्य का पुरस्कार है, उसके परिश्रम के बदले में दिया जाता है। ये किसी भी आधार पर दिया जा सकता है। यहाँ पर श्रम, चाहे वो मानसिक श्रम करे या शारीरिक श्रम करे, दोनों ही प्रकार के श्रम को यहाँ हम सम्मिलित करेंगे। साथ ही मजदूरी का जो देने का तरीका है वो सबसे पहले नगद में हो सकता है और वस्तु के रूप में हो सकता है। अर्थात मजदूरी को देने का तरीका किसी भी प्रकार से हो सकता है, नगद में दिया जा सकता है, वस्तु में दिया जा सकता है, या दोनों ही रूप में मजदूरी दी जा सकती है। साथ ही ये जो मजदूरी है वो प्रति घंटे के आधार पे हो सकती है, प्रतिदिन हो सकती है, कोई समय निश्चित है उनका, मंथली हो सकती है। तो ये समय के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से उनका अनुबंध है, आपस में समझौता है, उसी प्रकार से इस मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मजदूरी की परिभाषा हमने यहाँ पढ़ी। मजदूरी की परिभाषा पढ़ने के पश्चात हम देखते हैं मजदूरी के प्रकार। मजदूरी के प्रकारों के बारे में यदि हम बात करें तो मजदूरी के सामान्य रूप से दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है नगद या मौद्रिक मजदूरी, नॉमिनल और पहला प्रकार है नॉमिनल और मनी वेजेज। सेकंड प्रकार आता है वास्तविक या असल मजदूरी, यानी कि रियल वेजेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इन दोनों प्रकार के बारे में डिटेल में देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं नगद या मौद्रिक मजदूरी, नॉमिनल और मनी वेजेज। नॉमिनल मजदूरी क्या होती है, नगद मजदूरी क्या होती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। श्रमिक को मुद्रा के रूप में जो भुगतान मिलता है वह श्रमिक की मौद्रिक या नगद मजदूरी कहलाती है। तो यहाँ पर एक श्रमिक, यहाँ पर हम बात करें नगद मजदूरी के बारे में, तो एक श्रमिक को मुद्रा के रूप में जो भी भुगतान किया जाएगा वे उस श्रमिक की मौद्रिक या नगद मजदूरी कहलाएगी। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो यदि एक व्यक्ति को 5,000 रुपये प्रति माह कारखाने में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है तो इसको 5,000 प्रति माह नगद मजदूरी कहा जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति को यदि कारखाने में कार्य करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए हमने बात की है, 5,000 रुपये उसका नियोक्ता उसे प्रदान करता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस व्यक्ति की नगद मजदूरी का जो मूल्य होगा वो होगा 5,000 रुपये। तो ये नगद या मौद्रिक मजदूरी कहलाएगी, 5,000 रुपये उस व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्तविक या असल मजदूरी, रियल वेजेज। यहाँ पर देखिए, एक श्रमिक को नगद मजदूरी के अतिरिक्त भी जो लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त होती है उन सब को मिलाकर वह कितनी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त कर सकता है उसे वास्तविक या असल मजदूरी कहा जाता है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ, एक श्रमिक को नगद मजदूरी प्राप्त होती है और उस नगद मजदूरी के अतिरिक्त कुछ एडिशनल अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, उन सुविधाओं का जो मूल्य मार्केट में होगा उस मूल्य को मिलाकर और नगद मूल्य को, नगद मजदूरी को मिलाकर जो भी प्रतिफल आता है, जो टोटल आता है, कुल मूल्य आता है, वो उस व्यक्ति के लिए वास्तविक या असल मजदूरी कहलाएगी। यहाँ पर उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो देखिए, उदाहरण के लिए एक श्रमिक को 5,000 रुपये प्रति माह नगद प्राप्त होती है तथा मुफ्त रहने का मकान, बस सेवा, रियायती दर पर मकान एवं बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा आदि की सुविधाएं मिलती है तो इन सब का योग वास्तविक मजदूरी के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसके एक श्रमिक को यदि 5,000 रुपये नगद मिलते हैं और साथ में उसे कुछ अन्य फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, जैसे कि मुफ्त रहने का मकान यदि नियोक्ता ने दिया है, बस सेवा के लिए, बस सेवा यदि नियोक्ता ने प्रदान की है, ऑफिस से घर आने जाने के लिए किसी प्रकार की बस लगा रखी है नियोक्ता ने, या किसी अदर प्रकार की फैसिलिटी, व्हीकल फैसिलिटी दे रखी है, रियायती दर पर मकान दिया है, या उसके बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित कोई सुविधाएं प्रदान की हैं, तो इन सबको योग करने पर जो भी
कुल प्राप्त होता है वो उस व्यक्ति के लिए वास्तविक मजदूरी या असल मजदूरी कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हमने मजदूरी के दोनों प्रकार देखे। यहाँ पर यदि हम बात करें इन दोनों में मुख्य रूप से जो अंतर है, यह अंतर ये है कि नगद और वास्तविक मजदूरी हमेशा कम या अधिक नहीं होती, फिक्स बनी रहती है। यानी कि मान लीजिए एक श्रमिक को 5,000 रुपये महीने फिक्स वेतन दिया जाता है, तो ये नगद मजदूरी उसके लिए फिक्स बना रहेगा। लेकिन उसको नगद मजदूरी के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी गई है, रहने का मकान हो सकता है, बस सेवा हो सकता है, रियायती सुविधाएं आदि हो सकती है। तो इन सब सुविधाओं का मूल्य मार्केट में कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कीमतों में कमी और वृद्धि का दौर रहता है, इसलिए इन सब के मौद्रिक मूल्य में भी परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, नगद मजदूरी हमेशा समान बनी रहेगी, स्थायी प्रकृति की होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वास्तविक मजदूरी का मूल्य वास्तव में परिवर्तित हो सकता है, होता रहता है। क्योंकि इन सुविधाओं का, मान लीजिए बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान कर रहा है और उस फीस में किसी प्रकार की कमी और वृद्धि होती है, तो वो वृद्धि का मूल्य उस असल मजदूरी में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से उसकी पहले की तुलना में मजदूरी में वृद्धि हो गई। यहाँ पर वास्तविक और असल मजदूरी परिवर्तनशील होती है, उनमें स्थिर ये हमेशा स्थिर रहे आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य है वास्तविक मजदूरी परिवर्तनशील रहती है। तो यही बेसिकली मुख्य डिफरेंस इनमें है। और साथ ही नगद मजदूरी में सिर्फ नगद पैसा प्राप्त होता है, और वास्तविक और असल मजदूरी में नगद मुद्रा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी श्रमिक को प्राप्त होती है। तो बेसिकली ये मुख्य विभिन्नताएँ, ये मुख्य अंतर इन मजदूरियों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये मजदूरी के प्रकार हमारे यहीं समाप्त होते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।